नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से पहले भी बहुत महामारी आई हैं, उससे भी हम निपटे हैं, अब कोरोना से भी निपटेंगे। कोरोना हाल फिलहाल निपटने वालों में से तो नहीं दिख रहा। लॉकडाउन 2.0 जो 3 मई तक है, एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, पर कोरोना के संग जीने की आदत अब हम लोगों को डालनी पड़ेगी। उसके तरीके, अपने नॉर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजिंग, नमस्ते, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। कोरोना से पहले भी H1N1 स्वाइन फ्लू 2009-10 में आया था, उससे पहले ट्यूबर क्लॉसिस, मलेरिया, हार्ट अटैक, ये किसी टाइम पे बीमारियां बहुत परेशान करने वाली थी, पर इनकी धीरे धीरे उसके संग भी जिया तो ये कोरोना के संग भी जिएंगे। हमें पॉजिटिव रहना है हर सेंस में, नेगेटिव नहीं होना। आजकल लोग क्या अपने को ऐसे छू के, अरे मुझे कहीं बुखार तो नहीं है, ये हर एक के घर में हो रहा है, हर एक के संग हो रहा है। भाई डरो मत, मौसम ऐसा है, घबराने की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत लगती है तो हमारा प्रशासन बहुत एक्टिव है, आपको तुरंत मेडिकेशन दिया जाएगा, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि अब हमें कोरोना के संग जीना है, कोरोना से हमें लड़ना है, क्योंकि अभी इमिजिएटली ख़त्म होने वालों में से नहीं दिख रहा जहाँ तक अभी तक उम्मीद है। हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, शोबाजी ख़त्म करनी पड़ेगी। शादी पार्टियों में 2,000, 3,000, 5,000 तक लोग आते थे, शोबाजी होती थी, साहब वो भी आया, फलाना भी आया, ये सब बंद करनी पड़ेंगी। आपको लिमिटेड लोगों के अंदर सब काम करना पड़ेगा। आपके जो दिल के करीब हैं या आपके परिवार वाले, उन लोगों के संग ही अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस, आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे सबके ऑनलाइन कोर्सेज आने लग गए हैं, बहुत से ऐप भी शुरू हो गए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। स्कूल वाले कर रहे हैं, भाई साल थोड़ा ख़राब करेंगे बच्चों का, धीरे धीरे करके वो लोग भी ऑनलाइन अपने को बदलेंगे, हम लोग भी बदलेंगे अपने को, और उसको ऑनलाइन को अपना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें कोरोना के संग जीने की आदत डालनी पड़ेगी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती। मैं फिर कह रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना हर सेंस में और खुश रहना। दूसरा, डॉक्टर्स को भी अपना, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी शायद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़े, कि अगर कोरोना की टेस्टिंग आ जाएगी प्रॉपर तरीके से तो उनको कैसे टेस्टिंग करनी है, कितने मिनट में रिजल्ट आता है, कितना क्वारंटाइन करना है, सब तरीके उनको बदलने पड़ेंगे। ये फैक्ट है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपना मनोबल स्ट्रांग रखना, खान पीन में फ़र्क करना। जैसे मैंने रिसेंटली गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, हल्दी वाला, साथ में शहद लेता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना, जब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारियाँ कम लगेंगी। ये मौसम फ्लू का है, घबराए नहीं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखें। हर एक बीमारी से हम लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, और आपका लीडर जो है मोदी जी, उनको सलाम करता हूँ मैं, जो हम लोगों के बचाव के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। लॉकडाउन भी एक उसका असर आपको दिख रहा है, जो आज कुल 20,000 मामले हैं हिंदुस्तान के अंदर, और आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ गिरेगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।